अरे बाबा, इसकी शादी में मुझ जैसा हैंडसम बैचलर नहीं होगा तो कौन माइका लाल होगा? विक्रांत मेरे दुलारे, कैसे हो? हाय तुम कैसे हाय, हो? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सिद, बहुत बढ़िया। हाउ यू, सो गुड टू सी यू। आई नो विक्रांत। और मैं एक चीज बताऊं कि जब इन्होंने बोला कि विक्रांत की बैचलर पार्टी हो रही है, मैंने कहा मुझ जैसा बैचलर ना हो तो कमबख्त पार्टी क्या होगी भाई? क्या बोल रहे हो तुम? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। बट यू आर कूल यार, रियली यू ऑलवेज बीन दिस कूल गाय, यू नो, योर एनर्जी इज सो इन्फेक्शियस कि मतलब एक्चुअली बैचलर्स फेल है सब। अरे मेरी जान, पहले तो मुझे बताओ तुमने हाँ जी, कितनों को, मेरे जा भाई, तुम्हारी जवानी की कसम, तुम्हारे डिंपल्स की कसम, तुमने कितनी लड़कियों को कॉफी पिलाया पहले बताओ तुम? बहुत यार, गिन गिन के बहुत, बताओ। गिन नहीं सकता, गिनना अरे थोड़ा मुश्किल है। बाबा, मतलब यार कॉफी की बात हो रही है, सिर्फ हाँ कॉफी। विक्रांत, कॉफी यानी कभी कभार मोहब्बत भी होता है, उसको डेट भी अच्छा कहते हैं भाई, हाँ, डेट ना, हाँ डेट तो समझे? मैंने, डेट तो बहुत मारी है। बिकॉज आई टेल यू व्हाट, मेरे कॉलेज के बैंक ऑपोजिट बरिस्ता था यार। नेशनल कॉलेज का पढ़ा लिखा हूँ, लिंकिंग रोड का लड़का हूँ, और बैंक ऑपोजिट बरिस्ता हुआ करता था। तो मतलब आप हिसाब करो कि रोड क्रॉस करते हमेशा एक डेट हुआ करती थी हमारी, तो उसका तो हिसाब किताब रखना थोड़ा मुश्किल है। माने अगर मैं बोलूं कि भाई करीबन कितनी लड़कियों के साथ डेट में गए होगे, 500, 600, 1000 नहीं बोलो नहीं तो नहीं सही, ताकि मैं तुम्हें अपना गुरु बना दो। इतना नहीं, इतना नहीं, हाँ इतना 500 600 नहीं। मतलब यू कैन से मतलब सी आई हैव डेटेड 3 पीपल, वो तो अलग बात है, बट कॉफी की बात है। बरिस्ता पे ले जाके सबको 30 रुपए की कैपेचिनो मैंने कम से कम 50 लोगों को पिलाई है। यानी कि सस्ता सुंदर टिकाऊ सस्ता डेट। सुंदर टिकाऊ डेट, और उसके बाद BST राइड भी साथ में। अरे बाबा, क्या लड़की ने बोला कि भाई विक्रांत ऐसा डेट मैंने कभी जिंदगी में नहीं पाया, ऐसा बोला कि नहीं तुमसे? हाँ बहुतों ने बोला है, कई बार तो स्पेशली दोज जिनके साथ में डबल डेकर पे ऊपर वाली सीट पे बैठ के हवा खाते खाते आता अरे भाई काश था। ऊपर वाला मुझे विक्रांत की जिंदगी दे दो, विक्रांत की जिंदगी, आई वॉन्ट योर लाइफ। नहीं यार, नहीं, यो इट्स ओनली साउंडिंग ग्रेट सिड, इट्स ओनली साउंडिंग ग्रेट। नोबडी नोबडी वांट्स टू गो ऑन अ डेट इन अ BST डबल डेकर राइट नाउ। भाई एक चीज मैं बोलूं यार, जो भी करो मस्त मौला स्टाइल में करो, बट यू नो व्हाट, आई लाइक दिस ब्रदर। एक बंदा राइट, जो 16 साल की उम्र में शुरू किया इन टीवी सीरियल्स, नाउ बीइंग द मेल लीड, तुम एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समवन हु सेज भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं। दीपिका अरे पाडुकोन सर, चपाक, यामी गौतम, फ्रॉम अ सेकेंड लीड टू अ मेन लीड, क्या तुम्हें लगता है फाइनली विक्रांत तुमने कर दिखाया? नहीं ऐसे ऐसे मोमेंट्स मेरे साथ नहीं होते हैं, ऐसे मोमेंट्स अब तक नहीं होते हैं। बट या देर इज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, आई कैन से हैप्पियर, डेफिनेटली हैप्पियर, डेफिनेटली मोर कंटेंट टुडे देन यस्टरडे। गॉड्स बीन काइंड यार, मतलब गेटिंग गुड स्क्रिप्ट्स, यू नो, बट इट्स जस्ट बिगन, यू नो। आई ऑनेस्टली डोंट इवन थिंक आई स्टार्टेड डूइंग द काइंड ऑफ स्टफ दैट आइडियली आई वॉन्ट टू डू डीप इन साइड माई हार्ट। आई नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नो, कंसिस्टेंसी इज की। एंड इट्स रियली काइंड दैट यू नो पीपल से, स्पेशली यू नो कमिंग फ्रॉम यू, यू सच अ सीनियर जर्नलिस्ट, इट मीन्स अ लॉट। एंड कंसिस्टेंसी इज की टू रिलेट टू बी रिलेटेबल टू ऑडियंसिस टाइम एंड अगेन। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई नीड टू डू एटलीस्ट कंसिस्टेंटली फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, एंड देन मे बी आई कैन सिट बैक एंड जस्ट से ओके डिसेंटली डिसेंटली डन, नॉट बैड। पर मुझे जेन्यूनली बताओ, जब तुम टीवी सीरियल्स में थे और जब तुम लुटेरा कर यार रहे थे, हाफ गर्लफ्रेंड कर रहे थे, कहीं तुम्हें लगा कि यार ये मेल लीड करना मुश्किल होगा मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट? आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर एनी वन सेड, इट्स डिफिकल्ट फॉर एनी वन बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम अटैच टू इट, यू नो। इफ यू एक्चुअली सी इट फ्रॉम अ ड्रीमर्स परस्पेक्टिव कि यू नो मैं इस शहर में आके ये करना चाहता हूँ, मैं सिनेमा का हीरो बनना चाहता हूँ, बट वो आप अपनी तरफ से करना चाहते हैं, लेकिन फॉर एवरीथिंग टू अलाइन, यू नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। And it's a long journey, you know. I really don't think, and I've never been a fan of overnight success generally in life. You know, I हाँ always looked up to people who've actually, you know, who've actually cemented whatever they have through immense hard work. It is difficult for everyone. You know, all you need to do is, you know, be consistent, focused, be steadfast in what you want to achieve. There definitely will be moments which today I think should be in everyone's journey that, you know, literally break your knees. But, you know, when you stand up and move forward is only when you realize the value of what you have or what you had. विक्रांत, तुमने कहीं कहा था, इज इट ट्रू, कि तुम एक फिल्म के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे बट आपको अवार्ड शो में बुलाया नहीं गया था, वॉज दैट ट्रू? या एंड इट इट
it happened, but I think it is not as big an issue as it is today, unfortunately, being made out to be. I think probably I also said it just very, you know, off the cuff, but I think it's being made out more than what it is. I got a WhatsApp invite, and I found it very derogatory. If you call that an invitation, I was invited, but a WhatsApp forward for a nominee, I think, is something that I did not expect. I was expecting a formal invitation, and I was not invited, is what I thought then. But ek cheez bolu tumhe, public ka CT mil raha hai bhai, Siddharth Kannan ka jhappi mil raha hai bhai, aur kya chahiye tumko life mein? Thanks. Aur kuch nahi chahiye yaar, matlab I wish I could hug you right now in person. I know bhai, ye le ek puppy yaar, ek puppy bhai. 100%. Super, pehle batao, इसमें तुम यामी को वू करने के चक्कर में बहुत पापड़ बेलते हो, बहुत पापड़ बेलते हो। तुम्हारी स्वीट सी फियांसे शीतल ठाकुर को वू करने के लिए तुम्हें पापड़ बेलने पड़े कि नहीं? सच्चे दिल से बताओ। We met through common people. She saw me, I saw her, and in 4 days we knew कि we want to be with each other because it was like a nut and bolt, you know, it just came together. And we've been together since then. And if I am to say ki, you know, jab koi aise bolta na ki, arre yaar, love at first sight kya hota hai? I think hota hai. Because mera borderline love at first sight tha uske saath. Maine 4 din liye. Usne bhi 4 din liye. And 5th day we were together. Kya bata, kitne saal ho gaye that you've been together? Almost 6 years now. My God, almost yaar. Almost 6 years. Yeah. तुम दोनों का बॉन्ड इतना स्पेशल कैसे है? व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल कि 6 साल आई सी बोथ ऑफ पिक्चर्स टुगेदर, इट्स सो ब्यूटीफुल बाबा। थैंक्स। व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो, आई मीन इट्स शी इज होम, इफ आई कैन से, मतलब आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल विद हर। वी एक्सेप्ट ओवर ऑब्वियसली, यू नो, ऐसा नहीं है कि रेडीमेड होता है सब कुछ। यू मेक योर वे थ्रू एनी रिलेशनशिप, यू नो, यू बिल्ड इट थ्रू अप्स एंड डाउन्स, एंड टुडे व्हेन वी सेट बैक, आई थिंक we are just, you know, the best that she could have. She's the best I could have in terms of companionship. She's my closest friend. She's someone, you know, who's my biggest strength, also my biggest weakness. She's someone I think I can't do without, you know. It's difficult to fathom life, whatever is, without her. I think she's my biggest strength, and she says the same about me. I hope it is true. You know, mujhe batao, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, वो एक क्रिटिसिज्म जो तुमको प्रेस में मिला हो या ऑनलाइन मिला हो, कहीं भी मिला हो, जो तुम्हें तुमने बोला वाह, ये मुझे मोटिवेट कर रहा और मेहनत करने के लिए, वो क्या था? यू नो, आई देयर वर मेनी रिव्यूअर्स, बिग वंस, हु एब्सोल्युटली कंप्लीटली लुक्ड थ्रू माय परफॉर्मेंस इन लुटेरा विदाउट इवन मेंशनिंग माय नेम इन द रिव्यू और इवन इन द कास्ट लिस्ट। सो दैट वाज समथिंग दैट रियली हिट मी हार्ड। And there are many reviews which you know, and it's good. It's very important, you know, to have an a healthy atmosphere of exchange, which unfortunately we don't have in our public discourse today. But whatever little is there, I would like to cherish that and, you know, use it in the positive sense. तो जब तुम यामी से मिले थे, तुम्हारा भी दिल गुटरगू हो गया, तुम शायद थे या तुम पार्टी करने लगे, क्या हो गया था? यार, you know, unfortunately, Sid, you were one of the millions who have felt that for Yami. So that's how she is. She's so graceful, you know, beautiful to hai, ye sab kehte hain, sundar hai, zahir si baat hai, dikhta hai sabko, but you know, her eternal beauty is a grace. She's so graceful. But Yami ji today is such a dear friend of mine. And जब मैं उनसे मिला भी तो मतलब obviously, you know, when I saw her for the first time and I was like, अरे वाह क्या skin है, you know, the first thing that really hits you is her skin and, you know, फलान ढिमकाना, जो हम सब as audiences हमने देखा है, it's like, you know, कि ठीक है। But when I got to know her individually, it ended up being like we are so similar as people. Yami ji and I are so similar कि she's a very very close friend यार सिर्फ today. तो मतलब मेरी तरफ से तो वो कभी ऐसा था ही नहीं और I don't think उनकी तरफ से भी कुछ था। इनफैक्ट हमारे बीच में तो ये बहुत ही कॉमन चीज चलती थी कि भाई हम रोमांटिक फिल्म अब नहीं करेंगे दोबारा, जहाँ पे हम दोनों रोमांटिकली लिंक्ड हों, क्योंकि वो पॉसिबल है नहीं। हम हंसने लग जाते थे रोमांटिक सीन्स में एक दूसरे के साथ। देयर हैव बीन सो मेनी शॉट्स वेयर वी आर सपोज्ड टू लुक इनटू ईच अदर्स आईज एंड इमोट दीज रियली हार्टफेल्ट लाइंस विद, यू नो, टीयर्स ब्रिमिंग।
एक्चुअली आफ्टर 4 takes 5 takes द डायरेक्टर गॉट रियली पिस्ड ऑफ एंड इज लाइक यार तुम लोग साला रोमांटिक शॉट दे नहीं सकते हो और यहाँ पे तुम हीरो हीरो बनने आ गए हो यहाँ पे, मतलब तुम दोनों को भाई बहन की फिल्म करनी चाहिए, तुम दोनों को दोस्तों की फिल्म करनी चाहिए. तो वी वुड लुक स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर्स आईज एंड दैट्स हाउ वी फाइनली गॉट द टेक्स. बट एक चीज है भाई, तुम यामी को मैंने बहुत इंटरव्यू किए हैं, मेरी अच्छी दोस्त भी है, पर उसको एक बार तुम बोल देना यार, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था उसको बोलने के लिए, उसको बोल देना कि सिट करन वांटेड टू मैरी यू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तुम बोल देना यू बी माय ग्रूम स्क्वाड नाउ. शी विल वॉच दिस फॉर श्योर. पक्का उसको बोल देना ये कन्फेशन जो मैं नहीं बोल पाता था यार. लिसन ओके, आई एम गोना थ्रो सम नेम्स एट यू, तुम बताओ तुमने उन लोगों के साथ काम किया, व्हाट कम्स टू योर माइंड, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से दीपिका पाडुकोन. Grace, eternal grace, incredible grace, class. Farhan Akhtar, Farhan ka temperament kaisa hai? Unfortunately, I haven't worked under him as a director. Very briefly for a couple of days in Dil Dhadakne Do, he helped Zoya direct those scenes which were mine. But as a director, as a writer, as a creative individual, I think he's one of the geniuses we have. Ranveer Singh, incredible person, fabulous energy. Which is the most common thing people attach with him, and incredible person. He's a lovely co-star, good man. Priyanka Chopra, she's a dream. Fortunate to have spent time with her. I think if I can say my interactions with her, she's blessed. She's such an incredible person. You know, there is so much about Priyanka Chopra that the world does not know. But I'm sure they will, and you know, wherever she is, whatever she has achieved in her life is because she thoroughly deserves it. Shraddha Kapoor, Babudi is the only word that comes to my mind. She's a good friend. That's what we call each other fondly, Babudi. Kya tum ab finally after doing incredible work, you know, I position you as like Ayushman Khurana. Ayushman bhi tumhari tarah ek unassuming ladka. सिंपल सा लड़का, आज तक सिंपल है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, तुम उस राह में हो. कैन यू नाउ फाइनली पिक अप द फोन एंड कॉल अप सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस एंड से यू नो व्हाट, मैं विक्रांत हूं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, ऐसे हो गया कि नहीं? नहीं, दैट वुड नेवर हैपन. दैट वुड नेवर हैपन. इवन इफ पीपल अस्यूम, यू नो, फर्स्टली थैंक यू, यू नो, आयुष्मान इज समवन आई रियली लुक अप टू. He's had a great journey himself, you know, he's fought his way up and he thoroughly deserves it. And but I don't think I would ever, even if people, you know, sort of assume or, you know, believe that I am in a position wherein I can, you know, call up anyone, I would never do that. Because I am so blessed, Sid, in any case, that people I would generally pick up the call on are calling me. And that is something that's more valuable. That's something that's a dream. That's something that I am. That's something. Let's do this together. Come on. Yeah. You know. What does this signify? What does this signify? This is fist pump, victory, power. Oh, bhai, bahut. Main jab koi mere TV ke doston se baat karta, wo log mujhe bolte the, yaar, you know, Indian film industry TV actors ko TV actors slot karta hai, film industry ko film actors sort karta hai. But tumne prove kiya hai, a TV actor can make it big in films. Right? I'm glad people say that. I would take it. You know, I would really, really take this because I've worked very hard for this. And for me, myself, but for the entire community, you know, I've always seen or faced that disparity between television actors, film actors, that elitism needs to go. That has to some extent gone. At least in the last 7 years that I have seen, and also because of the advent of, you know, streaming platforms, everybody has an opportunity to portray whatever skill sets they possess. But you know, yes, that's true. You know, people demarcate you as a television actor without having, you know, experienced it themselves. And I have fought my way up, and I want to take that because there are so many wonderful actors who are working in television and who are incredibly talented. But on the flip side of it, I derived my strength from people who, you know, sort of paved the way for me. People like Shah Rukh Khan, people, we speak about him very generally. In common parlance, Shah Rukh Khan is the first name that pops up in your head. But there have been great directors like, you know, Anurag Basu, Sudhir Mishra, Hansal Mehta. There have been great actors like Naseer Sahab, Om Puri Ji, Pankaj Kapoor, Irfan Khan, who've done television.
and they have come from television. And unfortunately, it is our short-sightedness that we tend to look at it like this. But it's slowly, slowly changing, and I see a lot of television actors slowly, seamlessly, making their way through cinema. The deserving ones for sure will get their opportunity. जाने से पहले I want you and me to do a dance step to सावन में लग गई आँख बैठ के. Come on, just a बैठे dance step. Come on, 1, 2, you will sing, three, you will sing. Four, come on. चलो आगे, ready start. सावन में लग गई आग दिल मेरा हाँ. सावन में लग गई आग में ऐसे ऐसे कैसे ऐसे 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 अरे ऐसे 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 सावन में लग गई आग विक्रम. थैंक यू ब्रदर, दैट्स सो लवली सिद. Thank you. All my love to you, your family, the kids especially. And I'm really looking forward to seeing you soon. Thank you so much. Thank you so much.